जिन मार्ग में बहुत सी ऐसी बोध को प्राप्त होने वाली कथाएं हैं जिसमें यह कहा कि एक भिक्षु वृक्ष के नीचे बैठ खुली आंख में ध्यानस्थ था एक सूखे हुए पत्ते को डाली से टूट के हवा में तिरते 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 जमीन पर गिरते देखा और इसी में उनको बोध हो गया ख्याल रखना सुबह एक घंटे बैठे और ध्यान कर लिया और उसके बाद तेईस घंटे बेहोश रह लिया इस स्पीड से चलोगे तो समाधि तो तुम्हें सौ जन्म दूर है फिर होश पालनी है क्षण क्षण में प्रति क्षण क्षण में सत असत का विवेक रहे क्षण क्षण में और होश की साधना चले क्षण क्षण में जिसकी होश श्वास में अथवा मध्य में अथवा नासिका अग्र में अथवा अपने किसी चक्र में अगर है पूरी तरह समाहित मन हो जाएगा और इस पूरी तरह समाहित हुए मन में जब ज्ञान के रस को डाला जाएगा तो कामनाएं फिर तुम्हें छोड़नी ना पड़ेंगी कामनाएं खुद ब खुद तुमसे अलग हो जाएंगी वेन योर अवेयरनेस इज एट ऑप्टिम लेवल देन यू डोंट हैव टू डू एनी एफर्ट

त्यागी जाएंगी अगर तुम इनके शब्दार्थ पढ़ोगे तो ग्रंथ में लिखे है जिसने सब कामनाओं का त्याग कर दिया त्याग करना भी कर्तृत्व है इट इज एक्ट वेन यू से आई लस्ट फॉर वर्ल्ड इट इज अ डिजायर एंड वेन यू से आई वॉन्ट टू लीव द वर्ल्ड इवन दिस इज अ डिजायर When you say, I want to achieve success, this is a bondage, a desire. And we, when you say, I wish to renounce everything, even this is a desire, and all desires create bondages. My sansar tyag सोच के देखिए त्याग उस चीज का किया जा सकता है जो तुम्हारी हो जो तुम्हारी नहीं तुम उसका त्याग नहीं कर सकते घर मकान पैसा सहित तुम्हारा यह शरीर क्या यह तुम्हारा है

पंचभूतों से शरीर आया और शरीर तेरा नहीं और मन तेरा नहीं ये तो महत्व और पंच तत्वों का है तुम कौन होते हो त्याग करने वाले मैंने त्याग कर दिया सिंपल रूल इज टू रिनाउंस एनी थिंग यू फर्स्ट हैव टू ओन दैट थिंग इफ यू ओन दैट थिंग देन यू कैन डोनेट इट यू कैन डिस्ट्रॉय इट यू कैन रिनाउंस इट वट एवर बट इफ यू डोंट ओन इट यू कैन नॉट रेनाउंस इट क्या ये तुम्हारा शरीर ये तुम्हारा मन ये तुम्हारा धन ये तुम्हारा परिवार क्या तुम्हारा है कैसे कह सकते हो मैंने सब कुछ त्याग दिया प्रभु तेरे लिए वो पहले ही प्रभु का था बस ये कहो मैंने अपनी बेईमानी को हटा लिया आज तक कहता था ये मेरा है अब अकलाई मेरा तो है ही नहीं तो कह सकते हो मैंने त्यागा अज्ञान को पर तुम ये नहीं कह सकते मैंने कामनाओं को त्यागा यह भी एक कर्ता भाव मन से मैं को जोड़ा तभी तो कहा ना मैंने ये किया आर यू आर यू टू टू नाउ से एंड हु आर यू टू से नाव आई हैव लेफ्ट होल वर्ल्ड वेल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू यू कैन नॉट रिनाउंस इट एंड इवन इफ यू से दैट आई हैव नाउ रिनाउंसड माई इल्यूजन माई अज्ञान माई इग्नोरेंस इवन देन इट इज नॉट ट्रू बिकॉज अज्ञान टू इज ओन्ड बाय ब्रह्म अज्ञान की सत्ता क्या बिना ब्रह्म के हैं इज इट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल जड़ भी चैतन्य के ही आधार पर है ये सारी जड़ प्रकृति जिस ब्रह्म के आधार पर है उस ब्रह्म को ही आधिपत्य है अज्ञान का भी अज्ञान भी तेरा नहीं और ढूंढो तुम कहो अच्छा मैंने मेरे मैं को ईश्वर को दिया ये मैं तेरा है ये तेरा मैं भी उसी का प्रतिबिंब है उसी की छाया है उसी का अंश तो त्याग सकते हो कुछ तुम क्या इसलिए वाव विभोर होकर ये झूठ का वाक्य कभी मत बोलना प्रभु मैंने तन मंदन सब तुझे दिया दिया अगर भगवान बोल सकते तो बोलते क्या दिया प्रभु मैंने अपने आप को समर्पित किया फिर वही बात जिस चीज की तुम्हारी मालकियत नहीं थी उसको तू किसी को समर्पित भी कैसे कर सकता किस अज्ञान में जी रहे हो तो जो श्लोक के अर्थ प्राय किए जाते हैं मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं जिसने कामनाओं का त्याग किया न योगी अब कुछ करता ही नहीं त्याग भी नहीं भोग भी नहीं सर्व कामनाएं उससे छूट गई हैं और इसके फलस्वरूप अब वह निर्ममो ममता रहित है निर अहंकार है और वह शांति को प्राप्त हो जाता है शांति मद गच्छती कामनाओं से ही तो दुख है जब कामना पूरी नहीं होती तो दुख है कामना पूरी हो जाए तो बंधन है एक फकीर के पास एक सेठ गए उन्होंने थोड़े से फल और रुपये रखे और कहा महाराज हमारे लिए प्रार्थना करिए हमारी जो कामना है सब पूरी हो जाए फकीर ने कहा प्रार्थना तो जरूर करूंगा सेठ ने कहा फिर अभी कर दीजिए फकीर ने कहा हे प्रभु इनकी जो भी कामना है वो कभी पूरी ना करना सेठ को बड़ा गुस्सा है ये क्या बात हुई कामना पूरी ना करना फकीर ने कहा देख तेरी जो भी कामना है पूरी हो गई तो तू और ममता के दलदल में फंस जाएगा पूरी नहीं होगी थोड़े देर दुखी होगा पर फिर जल्दी ही ज्ञान से परम सुखी हो जाएगा सुख बेहोश करता है दुख प्रेरित करता है ढूंढ अपने इस दुख के आमूल निवृत्ति के मार्ग को ढूंढता है आदमी सुख तो सिर्फ बेहोश करता है उत्तेजित करता है और बेहोश करता कोई है कोई आदमी घूम के आए ना सैर सपाटा करके उससे पूछो वहां क्या किया था जी बड़ा मजा किया खाते थे पीते थे सो जाते थे खाते थे पीते थे सो जाते थे ये मजा है जिसके लिए ऐसों के लिए तो फकीरों ने दुआ की है कि रब्बा इनके सुख जल्दी छीना इनके सुख जल्दी छीन क्योंकि ये भगत मेरी बड़ी सेवा कर रहा है इसलिए इसके सुख जल्दी छीन ताकि इसकी ममता टूटे सुखी मन बेहोश होता है उत्तेजना में होता है उछलता फिरता गेंद की तरह फूला फिरता है बुलबुले की तरह और जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करेगा कि ये बुलबुला जल्दी फूट जाए विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरंकारो स देखिए यह शब्दों की पंगुता है यह शब्दों का छोटापना है यह शब्दों की तकलीफ है क्या उस स्थिति को वर्णन करने के लिए कोशिश कर सकते हैं शब्द पर पूर्ण सत्य का निरूपण यह शब्द नहीं कर सकते उसे शांति प्राप्त होती है क्यों कहीं बिखर गई थी कहीं छूट गई थी जहां से इसको प्राप्त हुई मैं निजानंद स्वरूप हूं मैं ही शांत स्वरूप हूं मुझ शांत स्वरूप को कौन सी शांति प्राप्त होगी देह में मैं को जोड़ोगे कोई शांति नहीं रोग है भोग है उलझने है बुढ़ापा है मृत्यु है शरीर के तल पर क्या सुख है जो है भी वो भी क्षणिक मन के तल पर रोग है भोग है दुख है उत्तेजनाएं हैं बुद्धि के तल पर अनिश्चय अज्ञान मूर्ता अविवेक सो न देह न मन न बुद्धि तीनों से अपने आप को करे दर किनार तो फिर पाता है वो कि मैं ही तो शांत स्वरूप हूं याद रहे मन में जब जब उलझने परेशानियां संशय दुख द्वंद तुम्हें आए तुम समझना तुम अपने स्वरूप से गिर गए मन में अटक गए बुद्धि में अटक गए अटको मत झटको मन बुद्धि और अज्ञान को झटको और जो हो उसे देखो वाह ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयना प्राप्य विमुह्य स्थिति ब्रह्म निर्वाण मृक्षती हे पार्थ अर्जुन को प्यार से बुला रहे हैं हे पार्थ ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति यह है नयनाम प्राप्य विमुहती अब वो वापिस ममता में कभी नहीं गिरता ऐसा ब्राह्मी स्थिति जिसने इस ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त किया अब ते शाम अब इसके बाद से वो कभी ममता में गिरता नहीं स्थिता और अंत काल तक इसी निष्ठा में इसी स्थिति में बना रहता उसकी अंतर की स्थिति बदलेगी नहीं ना इसके पहले भगवान कह चुके हैं इंद्रियों का व्यवहार होगा यह भी कह चुके हैं भोग प्राप्त होंगे अब ख्याल रखना जब इंद्रिय का व्यवहार हो जब भोग प्राप्त हो तो इसका मतलब कुछ धूल आएगी ना मन पे जैसे भोग आया वो कितनी मुझे नहीं चाहिए या मुझे चाहिए यहाँ करेगा या ना जैसे फरीद को कैंची दी गई तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए इनकार कर दिया नहीं चाहिए तो किसी भोग को ना कहेगा किसी भोग को हां कहेगा तो ना हां करने में किंचित मात्र मन में कुछ लहरें उठ भी सकती ध्यान से सुनना ये बड़ी गहरी बात है व्यवहार करेगा तो मन में लहरें उठ भी सकती हैं पर मन में आई हुई अब ये लहरें उसकी ब्रह्मस्थिति को बदल नहीं सकती अब तो वो निकल गया व्यवहार में ज्ञानी रोता हुआ भी दिख जाए तो उसका रोना तो भी झूठ है और व्यवहार में अगर तुम्हें ऐसा लग जाए कि ज्ञानी तो बड़ा सकता है है नहीं वो मैंने पिछले सेशंस में ये बात कही थी कि एक संत की सेवा में एक कुत्ता रहा था भोलानाथ फिर वो गया उसका शरीर चला गया और फिर दोबारा से जो नया आया वो भी जर्मन शेफर्ड कुत्ता वो अब अब भी उनके पास है अब उन्होंने उसका नाम पूर्णा रखा पहले नाम रखा तो बोला ना तब रखा नाम पूर्णा स्वामी जी की सेवा में अभी भी है वो अब हम जब बैठे थे वहां पे तो वो आया उसने आके अपना माथा जो है सर जो है वो उनके पैरों में ऐसे झुकाया उसके सिर में हाथ फेर रहे हैं उसको अब वो वहीं पास में बैठ गया अब जरा सा घूमे फिर आ जाए फिर बैठे वो थोड़ा बाहर जाके थोड़ा भोंका तुरंत तो देखो क्या है अब हमसे बात हो रही है देखो क्या है बोले नहीं कोई आया है तो वो सूचित करता है कि कोई और आया है अंदर तो फिर एक सन्यासी ने उनको रोक दिया होगा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हम लोग बैठे हुए थे इसके सिर में प्यार देते हैं जब जब उनके यहां कुछ आयोजन होते हैं वो भी बराबर आसन में बैठते है देखने वाला कह सकता है या आ सकते हैं अरे आ सकते हैं उसका हालचल पूछते हैं उसको खाया पिया सब पूछते हैं देखते है। किसी भूल में मत रहना कोई आ सकती नहीं व्यवहार है व्यवहार वो कर रहा है लेकिन भीतर न लेन न देन जब जागृत जागृत न रही जब उसने जागृत को स्वप्नवत देख लिया अब वापस उसी सपने को वो जागृत कैसे मान लेगा अब नहीं मानेगा कभी ना लौटने वाली स्थिति को जो प्राप्त हुआ है अब उसकी वह आंतरिक स्थिति कभी बदल नहीं सकती इसीलिए श्री कृष्ण दावे से कह रहे हैं तू खाली आत्मवान हो जा उसके बाद तू खूब संसार में घुस जा ये संसार तेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता लेन देन व्यवहार कर तो भी कुछ नहीं क्योंकि बी तरफ तू देख चुका है कि देह मन प्याज के छिलके की न्याय मुझसे अलग यू समझिए दही को मथा मक्खन निकला एक दफे मक्खन निकल जाए आप उसको मटके से बाहर न भी करें मक्खन उसी छाछ में तिरता रहे क्या अब ये माखन वापस उस दही में मिल सकता है एक दफे दही को बिलो दिया माखन निकल गया छाछ अलग हो गई अब कुछ भी कर लो अब ये माखन वापस दही के रूप में नहीं बदले हां इसका घी बन सकता है पर वापस दही या वापस दूध अब नहीं हो सकता गुण स्वभाव बदल गया ऐसे ही जब तक अज्ञान है तब तक यह माया का बड़ा प्रभाव है पर जैसे ही सदगुरु की कृपा से यह ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है इस ब्रह्म विद्या के प्राप्त होने पर आत्मवान हुआ और जैसे ही आत्मवान हुआ अब अब वापस देह के अध्यास में नहीं जा सकता जाएगा ही नहीं संभव ही नहीं एक ही बार की मेहनत है सिर्फ एक बार की मन का मनन बुद्धि का चिंतन और हुआ निधिध्यासन भीतर हुआ विस्फोट भी जाना मैं कौन अब मजे से संसार में विचरो ऐसा योगी ध्यान कब करता है ऐसा योगी दिन में कितने घंटे समाधि लगाता है भगवान इन सभी बातों के विषय में वो पहले ही कह चुके हैं कि उसकी बुद्धि समता में आ चुकी स्थित प्रज्ञ किसको कहा जिसकी बुद्धि को समत्व योग प्राप्त हो गया है अब समत्व योग प्राप्त किया हुआ योगी ज्ञानी जब व्यवहार करता है तो वह जानता है कि व्यवहार की धूल मन तक तो आ सकती है संभव है पर मन से आगे नहीं जा सकती अब संकल्प विकल्प मन का खेल है संकल्प विकल्प मन का खेल है। पर मन के इस खेल का जो मैं दृष्टा हूं उसे क्या फर्क कि अगर मन एकाग्र बना रहे या मन विचार करता रहे ध्यान बैठ के करने की आवश्यकता तब तक जब तक मन का निग्रह करना था मन को एकाग्र करना था अंतर्मुखी करना था तो ध्यान चल रहा था इस अंतर्मुखता एकाग्रता के साथ जब भीतर होश की साधना की और होश की साधना से निश्चय हो गया अब हम हाँ कहते ध्यान की भी जरूरत नहीं रह गई अब क्या करे अगले अध्यायों में उस विषय में श्री कृष्ण ने चर्चा की है कि ज्ञानी का व्यवहार कैसा होगा पर एक बात समझें अगर आप श्री कृष्ण के जीवन को देखें कह सकते हो तुम वो तो अवतार थे और एक बात बताइए ये दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक था क्या एक बार भी श्री कृष्ण ने ये कहा कि चूँकि मैं अवतार हूँ इसलिए मेरे लिए और कोई मापदंड है और अर्जुन तू तो जीव है एक पुरुष है एक इंसान है तेरे लिए कुछ और ज्ञान के सूत्र होंगे एक बार भी बोला हूँ ना किसी के मन में कोई गलत फहमी न रह जाए तो आगे गीता के अध्यायों में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान बोलेंगे श्री कृष्ण देखो जब मैं भगवान कह रही हूँ तो इसका मतलब यह न समझिए जो हमसे कुछ अलग है भगवान का अर्थ सिर्फ इतना जिसने अपनी अस्तित्व को जिसने अपनी सत्ता को पहचान लिया है जिसने अपनी भगवत को पहचान लिया है वही भगवान कौन भगवान जिसने दुनिया बनाई जो दुनिया मिटाता है। ना, ना 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 जिसने मन के भ्रमों को तोड़ अस्तित्व क्या है कौन है मैं क्या है मैं कौन है जिसने इस बोध को प्राप्त किया है और जिस अस्तित्वगत सत्य में जिसकी अब निश्चय और निष्ठा है वही भगवान इसलिए तो हम गुरु को भी भगवान कहते गुरुदेव भगवान बड़ा प्यारा है गुरु घंटाल भी हो सकते हैं गुरु पाखंडी भी हो सकता है गुरु बेईमान भी हो सकता है पर जब तुम कहते हो गुरु भगवान तो इसका मतलब ये कि जिस सदगुरु के सानिध्य में तुम हो उसने अपने भीतर भगवत्ता प्राप्त की है और अब वो तुम्हें भगवत्ता पहचानने के लिए जो तुम्हारे ही अंदर है वो तुम्हें प्रेरित कर रहा है ताकि तुम भी शिष्य भगवान हो जाओ तो गुरु भगवान शिष्य भगवान 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 एक जिस दिन हो जाएंगे उस दिन गुरु शिष्य ये दो दो रह नहीं जाएंगे फिर सिर्फ भगवान बचेगा अहम निर्विकल्पो निराकार विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रिया न मुक्तिर्ण बन्ध सदा मे समा न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं चिदानरूप Shivoham 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 शिवोऽहम् शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम, हम, हम चिदानंद रूप शिवो हम इसी के साथ गीता का दूसरा अध्याय समाप्त तो होता है ॐ तत्सदिति दिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्यायः ॐ हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् तत्स श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण कौन चैतन्य है गोविंदकार्थ जो गो इंद्रिय विंद मने आधार जो इंद्रियों का आधार है चैतन्य हरे मुरारे हरे मतलब हरण कर लेता है मुर नाम था एक राक्षस का जिसको कृष्ण ने मारा था मुरारे मुर को मारा था इसलिए नाम मुरारी आया था तो जो जो कोई अपने चैतन्य रूप कृष्ण का ध्यान करेगा उसके सभी आदि दैविक आदि भौतिक दुख रूपी राक्षस मारे जाएंगे बात समझ लगी, बात समझ लेगी भक्ति ग्रंथ से देखें तो जिसने मुर राक्षस को मारा सो कृष्ण गोविंद हरे तूने मुरारी को मार ब्रजवासियों के दुख से उन्हें बचा लिया था मुर राक्षस जिंदा रहता तो सब दुखी करता ना तो उस सबको बचा लिया ऐसे ही यूं कह सकते हो कृष्ण रूपी गुरु ने मुझे मेरे आत्मा रूपी कृष्ण गोविंद का जब ध्यान कराया तो मेरे मन में आए शोक रोग मोह रूपी राक्षस को मार दिया